अस्सलाम वालेकुम, मैं सैफ अल अब्बास। आज मैं इधर यहाँ पे गौतम टेम्पल, चाइनीज़ का एक रिलीजियस प्लेस है, तो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि चाइनीज़ किस तरह इबादत करते हैं और ये लोग अंदर क्या चीज़ है। लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट हैपनिंग। ये हमारे यहाँ वो नहीं बैठे होते हाथ देखने वाला, तो ये लोग वो हैं, इन्होंने ना कुछ लिया हुआ है हाथ में, तो ये मेरे ख्याल में कुछ स्टिक्स हैं इस बोतल के अंदर, तो इसमें से इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। आप लेते हो ना तो वो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह वो हाथ देखने वाला हिसाब किताब वगैरह कुछ भी करता है, तो ये इस तरह बताते हैं। ये यहाँ पे भी बैठी है और ये उधर सामने मेट्रो स्टेशन के साथ ये इसकी बिल्डिंग है। अच्छा, इनके टेंपल्स वगैरह, क्योंकि इनका येलो कलर जो है ना, पीला कलर, ये इनका मजहबी कलर माना जाता है, तो जो भी इनके टेंपल्स वगैरह हैं वो इस तरह के येलो बिल्डिंग्स की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, इनके ना टिकट के एंट्रेंस की 10 RMB फीस है, तो मैंने कहा मैं फॉरनर हूँ तो मुझे वैसे जाने दें, तो उसने वैसे ही इंटर होने दिया, तो मैंने टिकट वगैरह नहीं ली यहाँ से, जस्ट ऐसे ही मैं कह के इनको ना अंदर इंटर हो गया। और अब ये इनका अंदर का व्यू है, दिखाता हूँ। ये इनके अंदर की बिल्डिंग है, ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या है। ये काफ़ी लोग आए हुए हैं चाइनीज़। अच्छा, ये हम किसी भी अच्छा ये क्योंकि टेम्पल है ना, तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ें हैं जिस जो लोग यहाँ पे मतलब किस तरह बताऊँगा मैं। हम लोग तो जाते हैं ना जब दरबारों पे, तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना जो दरबार के ऊपर हम जा के चढ़ाते हैं, तो ये चूँकि टेम्पल्स हैं इधर सारे, तो यहाँ पे टेम्पल्स को के ऊपर कुछ देने के लिए, चढ़ाने के लिए ये इस किस्म की कोई चीज़ें हैं। अच्छा, आप अगर देखो तो ये सारी बिल्डिंग्स ना पीली पेंट की हुई है, येलो कलर में पेंट की हुई है। येलो कलर को एज अ ये चाइनीज रिलीजियस कलर लेते हैं, तो आप देखो ये यहाँ पे जो वो लोग हैं जो यहाँ पे इनके काम करते हैं, तो उन्होंने भी येलो शर्ट्स पहनी हुई हैं, ताकि उनको कोई भी हेल्प वगैरह किसी को चाहिए होती है तो वो इनसे कॉन्टेक्ट करके हेल्प लेते हैं। यहाँ पर फिर एक और वो है इनसाइड, लेट्स गो। यहाँ पे वही चीज़ें हैं, ये इनके मजहबी पत्थर और ये मूर्तियाँ वगैरह बुद्धों की पड़ी हुई हैं। यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ से खरीदते हैं, और क्योंकि जिस तरह ये पड़े हुए हैं, ये इनका सिटिंग एरिया है, मतलब लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी लोग बैठे हुए भी। ये एग्जिट पॉइंट है, इंट्रेंस पॉइंट जो है वो यहाँ से है, ये इंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से ये लड़की नज़र आ रही है आती हुई, यहाँ से आउट। हम लोग जब भी कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं या ट्रैवल करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस होती है ना यहाँ पे कहीं पे भी जाएं आप, तो वो होती है कि टॉयलेट वॉशरूम्स मतलब यूज़ करना हो तो वो कहाँ पे होगा, कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर और भी मज़ीद ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, अगर आप किसी से पूछते हो ना कि वाशरूम वगैरह कहाँ है, तो अगला बंदा आपको कोई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहाँ पे है, तो वो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। बट यहाँ पे चाइना में आपको अगर आप कहीं पे भी जाते हो ना, ट्रैवलिंग प्लेस पे, इनकी स्पॉट पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही आपको एक मैप मिलता है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स उस प्लेस की मेंशन होती है कि यहाँ पे कौन कौन से स्पॉट्स हैं अवेलेबल जो आप घूम सकते हो, देख सकते हो, और टॉयलेट्स वाशरूम्स वगैरह भी कहाँ पे अवेलेबल हैं, और अगर आपको भूख वगैरह लग जाती है तो स्नैक्स ड्रिंक्स वगैरह भी आप कहाँ से ले सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है कि आप जहाँ कहीं पे भी चाइना में ट्रैवल करते हो ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको डिटेल मैप उस प्लेस का मिल जाता है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपको किसी की मेंटोर और गाइडेंस की ट्रैवलर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये देखें, ये इंट्रेंस है, यहाँ से इंटर होते ही यहाँ पे देखें इन्होंने ये एक बहुत बड़ा इस प्लेस का मैप लगाया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो सारी उन्होंने मेंशन की हुई हैं, कौन कौन से टेंपल्स हैं, उनकी अहमियत क्या है, वैल्यू क्या है। ये देखें, ये उन्होंने टॉयलेट मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे टॉयलेट, अगर आपने टॉयलेट जाना है तो वो यहाँ पे है, एक और टॉयलेट है वो यहाँ पे है, और ये सारे उसके अच्छा ये एक प्लेस है, ये जो फंक्शन पागोदा ये उसका नाम मेंशन है। यहाँ पे जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उन सबको उन्होंने डिटेल के साथ, पार्किंग आपने कहाँ पे करनी है, ये देखें आपने
तो ये सारी डिटेल्स के साथ यहाँ पे मेंशन की हुई है उन्होंने। तो ये हर जगह पे होता है, यहाँ पे भी आप चाइना में जाओ कोई भी ट्रैवलिंग प्लेस, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती कि आपने कहाँ से कोई चीज़ बाय करनी है, स्नैक्स फ्रूट्स कुछ बाय करना है, खाने पीने का सामान, या आपने टॉयलेट वाशरूम यूज़ करना है, तो सारी डिटेल आपको वहाँ पे मेंशन है। ये देखो मैप ऑफ बाथुम टेम्पल, वो ये टेम्पल के अंदर ही एक खूबसूरत सा इन्होंने छोटा सा पाउंज तालाब बनाया हुआ है। इसके अंदर ये ब्लैक फिश है, बाकी ये रेड फिश है। चलें इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आओ। अच्छा, इस टेम्पल की सारी हिस्ट्री और डिटेल सारी यहाँ पे गिवन है कि कितने एरिया में है। ये आप देख सकते हैं 15,000 स्क्वायर मीटर, और ये कितना पुराना है वो सारा कुछ यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है, मेंशन है। ये है इंक्रीज 1485 में, और अगेन यहाँ पे फिर उन्होंने डिटेल मैप प्रोवाइड किया हुआ है। तो कोई नोटिस वगैरह होता है कोई विजिटर्स के लिए, वो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया। ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे, देखें। चले अंदर चलते हैं। अच्छा, चाइनीज़ के टेम्पल्स या रिलीजियस प्लेसेस पे आप जब भी जाएँ तो वहाँ पे आपको ये दो कलर नज़र आएंगे, एक तो येलो दूसरा रेड। रेड इनका जो है वांग्स का नेशनल कलर है, और येलो कलर जो है वो इनका जो मजहबी या रिलीजियस कलर है। तो ये हर जगह पे आपको इनके रिलीजियस प्लेसेस पे मोस्टली फाइंड। यू कैन टेल मी निकेशो साइसन साइसन मानी आ मानी नी 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 जाओ मानी गॉड गिव यू मानी गॉड गिव 是算是这个对是这是我们中国的神仙啊 ओके ओके 一些美好的祝福好好谢谢。 अच्छा, ये तालाब इसलिए भी बनाया हुआ है कि जिस तरह हम लोग दरबारों पे कबूतर वगैरह रखते हैं ना, कबूतर तो कोई लोग जो जाते हैं वो दाना दूना डाल के आते हैं, तो यहाँ पे ये चाइनीज़ लोग भी इसको इस तरह थोड़ा लेते हैं कि जो मतलब जो लोग आते हैं यहाँ पे तो इसके अंदर खाने का ब्रेड फेंकती या कुछ भी जो मछलियाँ खाती हैं तो वो इधर फेंकते हैं, गोश्त हो गया, मीट हो गया, ब्रेड हो गई। ये फैसिलिटी इधर भी है और ये यहाँ पे भी है। ये यहाँ पे छोटा सा और मैप उन्होंने डिटेल के साथ दिया हुआ है, ये काफ़ी इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि आप किस तरह से रास्ते निकलेंगे आपने मूव करना है, और ये उसने डायरेक्शंस वगैरह भी गाइड की हुई है। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं जिन्होंने इनके रिलीजियस ड्रेसेस कल्चरल ड्रेसेस पहने हुए हैं। अच्छा, ये वर्शिप कर रहे हैं, ये इबादत करके आ रही है। अच्छा, अभी इनको देखना, ये लोग भी अच्छा माथा टेक रहे हैं। हाँ, ये इनकी इबादत का तरीका है या अच्छा उन लोगों ने ख़त्म कर लिया अभी आगे में। अच्छा, ये ना चाइनीज़ का जो है रिलीजन है, बिलीव करते हैं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये लोग इनका गॉड है मनी का गॉड, गॉड ऑफ मनी, ये बिलीव करते हैं, ये खुदा से मांगते हैं पैसे, मतलब इनका जो होता है ना अकीदा जो भी है, तो ये इसलिए ये उसकी वर्शिप इबादत वगैरह कर रहे हैं कि गॉड ब्लेस देम विद मनी वेल्थ। अब ये अपने खुदा से ना पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे दे, इनका पैसों का खुदा है, मतलब इस तरह कह लें आप लोग। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो फाइनेंशियली जो वीक होते हैं तो वो प्रे करते हैं कि मुझे पैसे मिलें या व्हाटसएवर। ये आपको लाल पट्टियाँ नज़र आ रही होंगी क्योंकि मैंने बताया आपको लाल कलर इनका वो फेवरेट है। तो ये जिस तरह मन्नते वगैरह मानते हैं ना, तो ये लोग भी मन्नते मांगते हैं। तो ये लोग भी ऐसे दिल में अपनी ख्वाहिशात विशेस लेके आते हैं और ये पट्टियाँ बांध के जाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने बांधी हुई हैं, यहाँ पे इस साइड पे भी काफ़ी बांधी हुई हैं पट्टियाँ, ये मन्नतों वगैरह का इनका सिलसिला है कुछ जिस तरह, मतलब
इस दरख्त पे भी आप लोग देख रहे हैं लाल पट्टियां बांधी हुई हैं। तो ये औरत लेके खड़ी है, इस ये भी बांधने के लिए खड़ी है कि ये यहाँ पे बांधेगी और अपनी ख्वाहिशात विषय देखें, ये उसके ऊपर कुछ लिख रही है, ये अपनी ख्वाहिशात विषय जो भी कुछ मांगना होता है इन्होंने ये उसके ऊपर लिखते हैं फिर उनको ऊपर बांध देते हैं। लाइक ये बंदा भी लिख रहा है। तो हाय, व्हाट इज दिस? Okay. 可以说中文，没有问题。这就是有一些就是佛教的一个教堂嘛，应该也不叫教堂，就是寺庙。 对， 就是中国人会来求一些 运势呀， 比如说像一些像这里， 比如说求姻缘， the couple, the man and the girl and the boys, and they fall in love and to 这边来去求一个所谓的百年好合。 Yeah, to get married or some good thing, good luck. Okay. Like this. Okay, thank you. Okay. Have a good time. Mm. Oh, yes, Juni, how are you? Where are you from? I'm from Pakistan. Oh, okay. You know Pakistan? No, I want to go. Welcome. Okay. Okay. You are from Shanghai or from work? We are local, Wuhan. Oh, Wuhan. Yeah, Wuhan. I am a student from the University of Wuhan. अच्छा, ये टेम्पल जो है ना हिली एरिया में बना हुआ है, काफ़ी पहाड़ी एरिया है। इसका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर व्यू तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अप एंड डाउन्स हैं, और ये देखो आप लोग कितना प्यारा है इनमें आर्किटेक्चर इसका। अच्छा, यहाँ पे ना ये इन्होंने एक्सरसाइज करने के लिए इक्विपमेंट वगैरह भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो लोग टेम्पल्स के अंदर जो रहते हैं वो यहाँ पे मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ये एक और टेंपल है इनका। लेट्स गो इनसाइड। ये इनका कोई पुराना, यहाँ पे फिर वो पट्टियाँ वगैरह, ये तो हर जगह पे आपको नजर आएंगे पूरे टेंपल में अक्रॉस। ये लाल मनते मुरादे, ये बुद्धा चेक करे, ये इबादत कर रही है यहाँ पे, इनकी नई जगह है यहाँ पे। टेंपल बहुत बड़ा है यार, इसके अंदर अगर देखें आप काफी डिजाइन किया हुआ है यार इंटीरियर बहुत। ये जो इबादत वगैरह करते हैं ना यहाँ पे, मतलब जिस तरह चर्च वगैरह में होती है, यह एक अच्छा, यहाँ पे भी ये पैसे इकट्ठे करने के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ पे पैसे डाल के जाते हैं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। दीवारों पे भी पेंटिंग की हुई है, बुत वगैरह बने हुए हैं, देख रहे हैं आप। और ये बहुत बड़ा टेंपल है, बुद्धा है इनका जिस पे बिलीव करते हैं ये लोग को। इस साइड पे भी देखें, ये मूर्ति बनाई हुई है इन्होंने कोई, वहाँ पे क्या चीज़ है, ये फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए ये पड़ी है और अंदर बन।
आर्किटेक्चर इनका बहुत नफीस काम है, देखिए आप कितने बारीकी के साथ काम किया। आगे देखते हैं कि आगे क्या है इनका।不能拍佛像。ये सामने आपको बंदा चोगा पहने हुए नजर आ रहा होगा। ये यहाँ पे जो ये टेंपल पे लोग होते हैं उसकी देखभाल रखवाली के लिए जो लोग उन्होंने रखे होते हैं ये वो है। ये इनके जो जिस तरह ये लोग होते हैं जो इबादत वगैरह करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही ये इनका क्या रोल है। ये इनका उस्ताद होगा ये वाला और ये उनके शागिर्द होंगे शायद। अब ये पता नहीं कौन है, मूर्ति सोई पड़ी है, बंदा उसके आगे इबादत कर रहा है। अच्छा यहाँ पे ये भी इनका सिटिंग एरिया भी है यहाँ पे। ये देखे मेडिटेशन भी कर रही है वो अंदर ही अंदर दिल में। ये इनकी इबादत के टाइम है, मेरे ख्याल में पता नहीं क्यों बजाते हुए जा रहे हैं। ये और टेंपल है यहाँ पे इबादत भी कर रहे हैं ये लोग। ये देखें आप लोग यहाँ पे काफ़ी टेंपल्स हैं और हर टेंपल का एक अलग ही मकसद है। मतलब एक टेंपल रिलेटेड करता है इनके मनी से कि वहाँ पे ये लोग पैसे वगैरह मांगते हैं, वेल्थ की प्रे करते हैं। एक इनकी टेंपल इनकी सेहत के लिए होता है कि वहाँ पे आप ये लोग अपनी सेहत वगैरह का मांगते हैं। एक टेंपल होता है जहाँ पे अपनी बेस्ट काम मांगते हैं, जहाँ पे इनको मतलब काम वगैरह चाहिए हो। एक और टेंपल है जहाँ पे इनको मतलब इनके ड्रीम्स वगैरह पूरे करने के लिए वो। तो हर इनके ज़िंदगी के हर स्टेप का एक ना डिफरेंट टेंपल है। डिफरेंट मतलब व्हाटएवर आप कहें। अंदर इधर ऊपर चलते हैं, अभी ये बहुत ही ऊपर है यहाँ क्योंकि हिली एरियाज में है ये, तो काफ़ी ऊपर है। The first time. You came first time here? No, I don't know. यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं और काफी ऊंचाई पे है, सीढ़ियां चढ़ के मैं तो थक गया हूँ अभी। ये ड्रैगन्स वगैरह बने हुए हैं क्योंकि ड्रैगन्स वगैरह पे ये बिलीव करते हैं। सारे पिलर्स पे ड्रैगन्स नक्श किए हुए हैं इन्होंने। अभी और चढ़ाई है, और भी ऊपर इसके टेंपल्स हैं। अभी तो मैं यहाँ तक आया था, तो देखें ये कितना ऊपर आ गया हूँ मैं। ये एक और टेंपल है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। काफ़ी लोग हैं यार, ये इबादत हो रही है। ये यहाँ पे सजदा करेगी। ये इनके जो दीवारें चेक करें इसकी कितनी उन्होंने ओरिएंटेड की हुई है। ये इनकी इबादत हो रही है। विजिटिंग के लिए ये प्लेस बहुत मतलब एक्सप्लोर करना है आपने तो सही है, लेकिन ये इबादत वगैरह जो करते हैं अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं इसी चीज़ में ही।
सिर्फ इन्होंने इबादत ही करनी होती है, इन लोगों ने इनका और कोई काम नहीं होता, इनका घर वालों से या फिर इधर उधर से कोई लिंक या ताल्लुक नहीं होता। ये सामने ये जो नज़र आ रहा है, ये सबसे ऊंचा यहाँ पे टेंपल है, मीनार है। इसके अंदर छोटी छोटी मूर्तियाँ और हैं, तो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं अभी और चढ़ाई है। हेलो खैशो इमन मा नो। ये प्लेस वैसे देखने के लिए सही है, लेकिन पर्सनली मेरा मुझे ना यहाँ पे थोड़ी सी सफोकेशन और घुटन टाइप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना एक अजीब सी इनके टेंपल्स में एक वो अजीब सी स्मेल है, तो मुझे तो बिल्कुल अजीब सी घुटन टाइप हो रही है। लेकिन वैसे ऐसे अगर आप आएँ घूमने के लिए, देख आर्किटेक्चर इनका देखने के लिए, बिल्डिंग्स का ये काफ़ी मुनफरिद और काफ़ी नफीस काम किया हुआ है। क्या शमा मेंग से你在哪里学习？不知道在哪里学习。你是武汉人？是的。你是武汉人？是的。是的。每天，好，谁？为什么你来这里？运动爬山。找钱吗？ 好运，爬山，爬山啊，OK，爬山啊，OK，他是你们的爸爸妈妈 ，Yes，Hello，Hello，Hello，Hello，He's shy，OK，谢谢。अच्छा यहाँ से ऊपर चढ़ा हूँ मैं, इस एरिया से देखिए कितना ऊपर आ चुका हूँ मैं, और अभी ये है यहाँ पे ये बैठने की जगह बनाई हुई है इन्होंने, फिर यहाँ पे भी बैठने की जगह है, अभी बहुत ऊपर है यार। तो ये एक और टेंपल है यहाँ पे, इसके अंदर देखते हैं क्या है, काफी ऊंचा है यार। Let's see inside. ये इन्होंने टिम्बर यूज़ की हुई है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये इबादत कर रही है। देखिए आप लोग, काफ़ी लोग आए हुए हैं यार इस जगह पे, काफ़ी ऊंचा है। अभी यहाँ से मैं आया, वैसे नेचुरल व्यू है यहाँ पे, ये देखें हिली एरिया से काफ़ी दरख्त वगैरह हैं, ऐसे नेचर इंजॉय करना है तो वो उसके लिए भी ये अच्छी जगह है, हाइकिंग के लिए बहुत अच्छी स्पॉट है ये। देखिए काफ़ी ऊंची है, अभी मैं आपको पीछे दिखाऊं, तो देखिए इतनी टॉल बिल्डिंग्स हैं वो। अब यहाँ पे पता नहीं क्या है, इनका बंद किया हुआ है इन्होंने गेट, ये ऊपर जाना है इधर, बहुत स्टेयर्स है। तो इनके नेचुरल फेस्टिवल्स भी नेचुरल हैं, लाइक स्प्रिंग फेस्टिवल है, ऑटम फेस्टिवल है इनका, फिर ड्रैगन फेस्टिवल है, वो इसके रिलीजियस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और इनके और भी इसी तरह के जितने भी चाइनीज न्यू ईयर का ये फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो वो सारे इनके जो हैं वो एक मजहबी त्यौहार नहीं है, बल्कि वो इनके एक कह लो कल्चर के या नेचर से रिलेटेड त्यौहार है। तो इस वजह से लगता है कि चाइना में कोई मज़हब नहीं है, क्योंकि ये उस तरह से मनाते नहीं हैं जिस तरह हम लोग इस्लाम मुसलमान हैं, तो हम लोग इस्लामी त्यौहार, ईदें हो गई, ये चीज़ें हम लोग मनाते हैं। अच्छा, आप आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं इस किस्म की वीडियो आप लोगों के साथ मज़ीद बनाऊँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय। यहाँ पे काफी लोग आपको देखते हैं, नजर आते हैं जो
कल्चर ड्रेस पहन के आते हैं। देखें इसने पहना हुआ है, इसने भी पहना हुआ है, अगले बंदी ने भी पहना हुआ। काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देखें। Hello，为什么你们来这里？我们来这里，第一是为了求财，第二是为了求姻缘，然后第三是为了求家里人的幸福，幸福平安，平平安安的度过。OK。ये इनकी इबादत हो रही है, वर्शिप वगैरह जो भी है। आवाज आ रही होगी आपको? ये देखें, ये लोग लाइन लगे हुए हैं। ये जो गॉड ऑफ मनी है, इनका खुदा है जो पैसे का, उसके सामने सजदा करने के लिए इबादत कर। A lot of people here to pray from God for money. See? इसमें ये पता नहीं क्या पैक कर रहे हैं, ये गिफ्ट्स वगैरह के लिए जो होते हैं ना, वो है। अच्छा, ये चीज क्या है? ये फायरवर्क है? फायरवर्क नहीं है, ये जो हम लोग बत्तियां वगैरह जिस तरह जाके जलाते हैं, ये वैसे ही, ये इनका कोई मजहब के अंदर वो। देखे ये देखो, ये देखो इसको, देखो चाइनीज को ये क्या कर रही थी। तो ये भी इसी तरह इनकी मोमबत्तियाँ टाइप हैं, जो कि ये लोग जला के अपनी मन्नत मुरादें ये करते हैं। ये इस स्पेसिफिक एरिया में है, यहाँ पे ये लोग आके जलाते हैं। ये मोमबत्ती ही है, ये देखें ये जल रही है। तो अपनी विशेज वगैरह करते हैं ये यहाँ पे। Hello. इसको देखो। Hello. What's your name? My name is Wang Yingzhuo. Hello. Okay. Why you come here? Yes, sir. Why you come? 为什么你来这里？为什么？因为 I am China Chinese. Hello.